Guys, ये शो fabulous था, no jokes. और हाँ, इसी बात में मैं celebrate करना चाहिए. Yeah, let's celebrate. Count me out, guys. अभी तक मेरे dad ने ना अपनी gun load कर ली होगी मुझे shoot करने के लिए. Duh, कभी तो अपनी exaggeration बंद करो. Why don't you go and try to tackle my dad, huh? वो मैं नहीं कर सकती. क्योंकि अगर मैंने उनसे deal किया, and he changes his mind, he won't shoot you. Yuvi, listen. मैंने तुम्हारी mom को हर एक जगह ढूंढा. वो यहाँ pub में कहीं भी नहीं है. God, kill me. इतना ही शौक है, just go ahead then. I'll tell you what. जाने से पहले ना, मैं थोड़ी सी social service करना चाहता हूँ. To finish you. छोड़िए. Yuvi. No man. Yuvi, stop. छोड़िए. ऐसे ही behave करेंगे, तो performance कैसे होएगी? Try to control yourself. भाई वाह भाई वाह. इतना ग्रेट शो तो मैंने खुद पहले कभी नहीं देखा. मैं तो भाई प्राउड हूँ. टिया फेल्ट लाइक अ रॉक स्टार. अब हमें चलना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, कोई गल ही नहीं. वो गड्डी तो बाहर ही खड़ी है. लेकिन जाने से पहले एक मिनट, ये तो लेते जाओ. ये क्या है? कमाल है. तुम लोगों को याद नहीं है वो म्यूजिक कंपनी वाले आए थे? उन लोगों ने तुम लोगों को मिलने का अपॉइंटमेंट दिया है. रीमिक्स परवाना है, रीमिक्स जमाना है. पता है बड़ा, हमें लगता है म्यूजिक कंपनी हमें एक चांस दे सकती है एल्बम बनाने का. कुछ भी हो सकता है. I'm sure, तुम बहुत खुश हो, right? हम बहुत खुश हैं और हमें बैंड में बहुत मजा आ रहा है. वैसे तुम्हें टिया के साथ देख के मैं तो बहुत खुश होता हूँ. You look great together. हम जानते हैं. और एक और बात, टिया के इस बैंड में होने से हमें और ज्यादा खुशी है. वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारा जो ये रिवेंज का भूत जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए, इट्स ऑल ओवर. ग्रेट. सुमित, बस कुछ दिनों की बात है, फिर वो चला जाएगा. एंड मोरओवर ही इज योर ब्रदर, जस्ट रिलैक्स. पल्लवी, तुम जानती हो उसे कितना इरेस्पॉन्सिबल है. बिजनेस में कोई इंटरेस्ट लेता नहीं और अब सोनिया रे के पीछे पड़ी. अच्छा, लिसन, दैट्स हिज लाइफ. वो उसका अपना अफेयर है. तुम इसमें क्यों इतना हैसल हो रहे हो? क्यों हैसल हो रहा हूं? आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट टिया. टिया लाइफ में सिर्फ दो लोगों से इन्फ्लुएंस होती है, पुनीत चाचा और सोनिया रे. और अब ये दोनों ही लोग साथ में मिल गए. दे आर नॉट अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑन हर. टिया ये समझती नहीं है. लेकिन तुम एक बात क्यों भूल रहे हो कि टिया इस वक्त रणबीर के साथ है एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राइट? तुम जानती हो कितने बजे आने वाली हो? मुझे क्या पता. हेलो पापा टिया स्पीकिंग. अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहना चाहते. तुम घर नहीं आ रही हो वीकेंड? आई मिस माय प्रिंसेस. पापा, आप अकेले हैं? नहीं, पल्लवी है मेरे साथ. इन दैट केस टिया स्कूल में ही ठीक है, वरना उस पल्लवी का ओवरडोज हो जाएगा. गॉड. टिया, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ. क्या हुआ? क्या हुआ? पल्लवी की ओवरडोज ना हो जाए इसलिए. मैं चाहती थी कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, बट आई डोंट थिंक आई एम नीडेड. शी इज ओनली अ किड. पल्लवी, पल्लवी, स्टॉप. पल्लवी,
दाता? दाता? आप हमें बहुत जल्दी भूल गए। जो हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है अब उनकी और उनकी बेटी के बहुत करीब आ गए हो। नहीं दादा, आप गलत समझ रहे हैं। बेटे, एक बात कभी भी मत भूलना कि आप कौन हो, कहां से आए हो और क्या करने आए हो। नहीं दादा, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। हम आपको नहीं भूल सकते। दाता, 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 नहीं, हम आपको नहीं भूले हैं दाता, 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 रणवीर, दाता, रणवीर, क्या हुआ यार, रणवीर, रणवीर, दाता, रणवीर, दाता, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। Are you alright? मना, हम भूल गए थे जिस मकसद के लिए यहां आए थे, उस मकसद को ही भूल गए। ये हमने ठीक नहीं किया। सर लगता है टैंकर का पानी खत्म हो गया। सोनिया जी सॉरी, 5 मिनट के बाद छोड़ लेते हैं। ब्रिलियंट सोनिया, दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आई एम कंप्लीटली फ्लॉर्ड सोनिया। थैंक्स। नाउ आई वांटेड टू आस्क यू, तुमने एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है या ये सब बस नेचुरली तुम कर लेती हो? ट्रेनिंग और मैं, मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग और डांसिंग में कुछ भी सीखने लायक है। You just have to let yourself go and do it. Wow, it's amazing तुम ये सब कितनी आसानी से कर लेती हो। वरना I tell you, एक्टिंग करना इतना आसान काम तो नहीं है। Thanks. Okay now, how about a nice quiet dinner together? Oh, I'm very tired. Sonia, please, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। Please, please. वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम रात भर यूं ही मेरा इंतजार करते रहो। ओके, ओके। हम दोनों कल सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में कर सकते हैं, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन। ओके डील। डील? सुपर। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। सोनिया। मेकअप? एसिड अपना डीओ दे। सारा खत्म मत करना। स्टिंग तुम करते हो, मैं नहीं। या व्हाटएवर। स्टॉप इट नकुल, व्हाट्स विद यू मैन? ए मैन फ्रेशन अप। पूरी रात नहीं सो पाया, जैसी थोड़ी सी नींद आती बैठ के नाइटमेयर्स आते मुझे। एक काम करते हैं, कैंटीन चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट, एक एक पेप्सी। Go ahead यार, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा अपने death sentence का। What are you saying man? I think you need fresh air. Yo man, let's go. Yuvi. Mom. Hello auntie. Hello बेटे। Mom हमें कुछ। नकुल, हमें कैंटीन जाना है ना? Yeah, right. See you later.
बाय आंटी। बाय आंटी। बाय बेटा। कैसे हो बेटा? मॉम, आपने डैड को तो नहीं बताया मॉम? नहीं, तुम्हारे डैड दिल्ली गए हैं एक महीने के लिए। थैंक गॉड मॉम। मॉम आई स्वेयर ये मेरा लास्ट शो था, इसके बाद आई विल क्विट मॉम। मॉम प्लीज आप डैड को मत बताना प्लीज मॉम। तुम बैंड छोड़ रहे हो? मॉम मॉम म्यूजिक मेरी लाइफ है और कल का शो इतना बड़ा हिट था मॉम। आई मीन इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ मॉम। तो फिर तुम बैंड छोड़ क्यों रहे हो? यूवी मैंने कल तुम्हें वहां देखा, मैंने पहले कभी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा था। यूवी बेटा म्यूजिक तुम्हारा पैशन है बेटा। मॉम लेकिन डैड को इस सब से क्या मतलब? आई मीन उन्हें ये सब नहीं अच्छा लगता और उनको जब पता चलेगा तो? अगर हम उन्हें पता ना चलने दे तो? व्हाट? मॉम मॉम आई लव यू मॉम। यू बी बेटा। बेटा तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। मैं हो सकेगा उतना तुम्हारे डैडी को पता नहीं चलने दूंगी। मॉम अभी आप मेरी साइड पे हैं। आई फील सो मच बेटर, आई फील सो स्ट्रॉन्ग मॉम। यू मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों को तुम्हारे डैडी के सामने झुकते हुए देखा है, तुम्हारे भाइयों को भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम वही करो जो तुम्हें करने का पूरा हक है और मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। बिलीव मी। थैंक्स मॉम, थैंक यू सो मच मॉम। हाँ यूवी। एमपी अपनी ऑटोग्राफ बुक लाओ ना, आई विल साइन इट। बाद में ये मत कहना कि मैंने ऑफर नहीं किया। आशी टोन बग। हेलो बग तो तुम मुझे करोगी मेरे ऑटोग्राफ के लिए। व्हेन आवर बैंड्स अ सुपर स्मैशिंग हिट। यू बेट आई वांट। यू विल। आई वांट। यू विल। आई वांट। यू विल। यू विल। विल। ये क्यों हो रहा है? वृंदा तुम तो मेरा ऑटोग्राफ ले लो शीतल के लिए। हां माते प्लीज इससे ऑटोग्राफ ले लो, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। तुम्हारा सिर फट जाएगा? मेरा सिर फट चुका है रणवीर से बात करके। क्या वरुण उधर था? लेकिन बाद में वो चला गया। आई थिंक वो तुमसे अभी भी अपसेट है। What do I do? तुम कुछ मत करो, जो भी करना था सब कर चुकी हो। MP, please, don't be mean. Duh. Guys, I think I should just let him be. थोड़ी देर में वो खुद ठीक हो जाएगा। Anyway, मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ। Guys, wanna come? मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। Hey, मेरे घर के पास एक कॉफी शॉप है। We guys can eat there. Good idea. पहले प्रॉमिस करो। व्हाट? म्यूजिक ऑटोग्राफ्स शोज ये तीन वर्ड्स तुम यूज नहीं करोगी। प्रॉमिस। कम ऑन गाइस लेट्स गो। चलो तुम कहां जा रही हो? बड़ा हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे नहीं रह सकते। हाय रणवीर। हाय अमन। रणवीर हाउ आर यू नाउ? आज टिया फ्री है सो लेट्स डू समथिंग टुगेदर। नहीं टिया हमें कुछ काम है। मुझे भी कुछ काम है। नो टिया को बताओ व्हाट्स रॉन्ग विद रणवीर। ब्लैक गैंग आर यू नट्स और व्हाट? कोई जोक नहीं है। अगर बात इतनी सीरियस होती जितनी तुम बना रहे हो तुम यहाँ नहीं किसी हॉस्पिटल में होते। सो कट द क्रैप। हॉस्पिटल के बजाय वो मुझे दूसरी दुनिया में भिजवा देते। डू यू गेट दैट? ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे फादर को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे डैड दिल्ली में है, सेकेंडली मैं इसलिए बचा क्योंकि मुझे किसी ने बचाया। तो क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि स्कूल में ये डेंजरस लोग कौन है और तुम्हें किसने बचाया? सम जूनियर मॉनिटर आई नो, और मुझे इन डेंजरस लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉज दे डोंट बॉदर मी अगर मैं उनके पास नहीं जाऊं। हे भग्गू
कुछ लोग इतने सेल्फिश क्यों होते हैं? हेलो, आई एम नॉट सेल्फिश एंड सेकंडली तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी का सेकेंडरी डिटेक्टिव बनने में मुझे कोई शौक नहीं और अपनी लाइफ स्पाइसी करने का मुझे कोई शौक नहीं, डू गेट इट? आई होप कोई तुम्हें ये बता दे कि जो ये तुम्हारी इंटरेस्टिंग लाइफ है कितनी मीनिंगलेस है। ओ रियली? अगर मैं तुम्हारे उस इडियोटिक नर्डी बॉयफ्रेंड को ब्रेव होना सिखा दूं, मे बी मेरी लाइफ थोड़ी और मीनिंगफुल हो जाए। वो इडियट तुम्हारी स्टूपिड ओल्ड गर्लफ्रेंड से बेटर है, सो स्टॉप फीलिंग सो प्राउड। शट अप अंधेशा, तुमने जामनी के बारे में दोबारा कुछ कहा ना, आई विल स्मैश योर फेस ऑन अ टॉयलेट पॉट। इजी इजी, टेक इट इजी। ये एक ऐसा सच है जो स्वॉलो करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। शट अप यू फ्रीक। एंड वैसे भी व्हाई आर यू फीलिंग सो जेलस? हां, एंड लेट मी फिल यू इन ऑन समथिंग। वो चाहे जैसे भी हो, यू कैन नेवर मैच हर। प्लीज अमन बताओ। आई डोंट नो डियर, हो सकता है वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा हो। अपनी फैमिली को? हाँ, वो एक्चुअली कल का शो बहुत सुपर था ना, तो हो सकता है उनके साथ शेयर करना चाहता हो। नहीं डियर, तुम कुछ मत करना। वो एक्चुअली जब वो ऐसे मूड में होता है ना, तो इट्स बेस्ट कि उसको अकेला छोड़ दिया जाए। थैंक यू सो मच अमन। टिया को तो लगा था कि अब रणवीर को टिया में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट थैंक्स एनीवे। आई विल गो, बाय। टिया नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। उस जूनियर मॉनिटर को तो लेसन टीच करना ही होगा। हाँ, उसे हमें जवाब देना ही होगा। हम ब्लैक गैंग है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वो यूवी, वो वरुण, वो जूनियर मॉनिटर, व्हाट डज ही थिंक? वो हमें फूल बनाएगा और हम बैठे रहेंगे। उसे तो मैं रास्ते पे ले आऊंगा। ना आने के लिए उसे सॉलिड एक्सक्यूज देना पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आप सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ। माय नेम इज टिया आहूजा और मैं रणवीर की क्लासमेट हूँ। आंटी, रणवीर आपको बहुत मिस करता है, इसलिए टिया और उसके पापा आपको बॉम्बे इनवाइट करना चाहते हैं। हियर आर द टिकट्स एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप आएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। लव, टिया। हाय रणवीर। हाय टिया। रणवीर, तुम्हारा काम खत्म हो गया? ऑलमोस्ट। वाह, दैट मींस हम बात कर सकते हैं। आपको पता है टिया, जब भी हम आपको देखते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। यू नो व्हाट रणवीर, टिया ना तुम्हारी एनिवर्सरी प्रेजेंट के बारे में सोच रही थी। एनिवर्सरी? कौन सी एनिवर्सरी? हम दोनों को एक साथ ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है। वीक एनिवर्सरी? टिया, हमें कोई प्रेजेंट नहीं चाहिए, प्लीज। ओ कम ऑन बेबी, टिया तुम्हारे प्रेजेंट के बारे में ऑलरेडी सोच चुकी है, प्रिपेयर भी कर चुकी है। आपने प्रेजेंट खरीद लिया है? खरीदा नहीं है, बुक किया है। टिया, तो फिर कैंसिल करा दीजिए। नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता। यू कांट कैंसिल इट, वरना तुम्हारी मॉम अपसेट हो जाएंगी। हमारी मॉम? रणवीर, टिया ने तुम्हारी मॉम को यहाँ आने के लिए इनवाइट कर दिया है। I wrote a letter जिस पे टिकट भी भेज दिया। क्या? आपने हमारी मॉम को चिट्ठी लिखी? टिया, आपको कोई राइट नहीं है हमारी फैमिली के नजदीक जाने का। आप वो टिकट्स अभी कैंसिल करवाइए, अभी, अभी। Make, remake, remake, remake.